डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, तो चलिए ऑब्जेक्ट की फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक के हेल्प से हम कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि हमें फार्मासिस्ट एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो हमने कंटेंट पेज को पहले ही देख लिया है प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पर से आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए गए हैं एमसीक्यूज को। आज हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, जिसे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के नाम से भी हम जानते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसे कहा जाता है? और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ESIC फार्मासिस्ट 2019 में ही। तो जो हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है वो है महादेव लाल सराज जी। और आपने देखा होगा अभी 2023 में भी PCI द्वारा ये अनाउंसमेंट हुआ था कि महादेव लाल सराज, ML सराज जिसे हम कहते हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ मीन्स 6 मार्च को हमने क्या किया था, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हुआ था कब, 2023 में ही। तो इनका जो बर्थडे है उन्हें नेशनल एजुकेशन फार्मेसी डे के रूप में मनाया जाता है। ML सराज जी को ही फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर, जो कि CCF फार्मेसी 2014 और फार्मेसी 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर आप टैग से देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिए, फार्मेसी एक्ट कब आया, जब हमारा देश आजाद हुआ, ये याद रखना, 1947 में ये क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। वैसे ही देन एक साल बाद जस्ट ये एक्ट आ गया था 1948 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1948 करेक्ट आंसर। फिर आया फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, जो फार्मेसी बिल था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब इंट्रोड्यूस किया गया, मीन सबमिट किया गया, तो ये हम लोग 1945 में ही सबमिट कर दिया गया था। देश के आजाद होने से पहले पहले तो क्या किया, बिल को सबमिट कर दिया गया। तब फिर क्या हुआ, जब देश आजाद हो गया तब जाकर एक साल बाद देखिए बिल कब पास हो गया था, हमारा बिल कब दिया गया था, 1945 में। एक्ट आते तक देखिए कितना साल लग गया, 1948 में एक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन, जो फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल किसे कहते हैं, PCI, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल काउंसिल कहा जाता है। तो इनका जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इनको, तो वही है 1948 में ही इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एम टू राइजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल इन इंडिया, ठीक है, ये पूछा गया है आपके 2018 में ये क्वेश्चन। अब देखिए, फार्मेसी एक्ट दिया गया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, DPCO एंड कोड ऑफ इथिक्स एक्ट दिया गया है। तो फार्मेसी एक्ट जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि फार्मासिस्ट एक मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ये फार्मेसी प्रोफेशनल के लिए फार्मेसी एक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये एम है मेनली फार्मेसी एक्ट का। फिर नेक्स्ट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, ध्यान रखिए यहाँ पर एक्सेप्ट दिया है, जब भी कभी भी नॉट और एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए तो उनको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये पूछा गया है एम्स फार्मासिस्ट 2012 में, तो इनमें से कौन सा काम है जो कि PCI के द्वारा नहीं किया जाता। फर्स्ट जैसे दिया है, टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, तो ये काम तो किया ही जाता है, जो मिनिमम एजुकेशन है फार्मेसी इंस्टीट्यूट के लिए ये इनके द्वारा किया जाता है। देन है टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए भी कितना मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए ये भी इन्हीं के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। देन है टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर है वो भी इनके द्वारा देखा जाता है। देन है टू प्रिस्क्राइब ड्रग, तो ये जो ड्रग प्रिस्क्राइब करना है ये इनका काम नहीं होता, PCI ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करता, ये तो जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया था, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आपका 7th नंबर का क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज, यही क्वेश्चन ये भी पूछा गया एम्स फार्मासिस्ट 2012 में। मेन काम पूछा गया है टू ग्रांट लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग, ये तो नहीं होगा, ठीक है, टू अप्रूव फार्मेसी कॉलेज इन द स्टेट, ये भी मेन फंक्शन नहीं है, यहाँ पर मेन फंक्शन पूछा गया है तो ये भी आपका कट हो गया। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल इन स्टेट, तो देखिए यहाँ पर यदि मेन क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर ऑप्शन में आपको पहले ही दे दिया गया है, अब आपको लगेगा ये सारे काम तो स्टेट फार्मेसी करता है तो इनमें तो कंफ्यूजन हो गया, बट आपको पहले ही यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है मेन काम क्या है। तो मेन है इनको रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन स्टेट, फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट कराना स्टेट में इनका मेन काम होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एमपी फार्मासिस्ट 2023 अभी ही ये क्वेश्चन आया हुआ है. इसका करेक्ट आंसर होगा टू इनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स. आगे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, देन आंसर में आएंगे. टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट. जी हाँ, फार्मेसी काउंसिल इंडिया तो ये काम करेगा ही, जो एजुकेशन रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट के लिए जो हमने पहले ही स्टडी कर लिया. देन है टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, ये भी काम करेगा. पूरी कंट्री में फार्मेसी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इनको मेंटेन करना होगा. टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू द विच फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड्स द अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन. जो फॉरेन क्वालिफिकेशन का अप्रूवल भी हमको पीसीआई से फिर लेना होगा. तो क्या वो लोन प्रोवाइड कराता है किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को फार्मेसी प्रोफेशनल के डेवलपमेंट के लिए? तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो हमें नॉट ऑप्शन को चूज करना था, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ पा रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे. यदि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, यदि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाते जो अभी हमने पीसीआई के फंक्शन में स्टडी किया, तो इसी प्रकार कोरिलेट करके ही क्वेश्चन आते हैं. यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो इजिली से आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे. तो इसी प्रकार के और यदि हमको सॉल्व करना है तो डाउनलोड कीजिए जीडीसी ऐप.